हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हो, क्योंकि गाइस हमारा जो यूट्यूब से पेमेंट आता है वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूट्यूब में बैंक अकाउंट को जोड़ने का ऑप्शन कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो गाइस जब आपके चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन हो जाता है तब आपका यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, और जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कम्प्लीट हो जाता है तब आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद गूगल एडसेंस की ओर से आपको एक पिन भेजा जाता है, तब आपको अपना पिन वेरिफिकेशन करना होता है, और जब आप अपना पिन वेरिफिकेशन कर लेते हो तब आपको अपने बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हो। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। एडसेंस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको ऊपर में एक एक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हो, या फिर आपको ऊपर लेफ्ट साइड थ्री स्टिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको थ्री स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको राइट साइड में ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको ऐड पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो गाइस पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद गाइस आपको सेकेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना पासबुक उठा लेना है और आपके पासबुक में जो भी नेम होगा वही नेम आपको इसमें डालना होगा। और गाइस आप किसी का भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हो, और आप जिसका भी बैंक अकाउंट जोड़ोगे आपको उसी का नेम डालना होगा। आपके पासबुक में जैसा नेम होगा आपको सेम टू सेम वैसा ही नेम डालना होगा। तो चलिए मैं अपना नेम डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने अपना नेम डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे में बैंक नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको अपने बैंक का नेम डाल देना होगा। जिस भी बैंक में आपका खाता होगा आपको उस बैंक का नेम डाल देना होगा। मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको नीचे में IFSC कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको IFSC कोड डाल देना होगा। IFSC कोड आपको आपके पासबुक में देखने को मिल जाएगा तो आप उसे देख के अच्छे से डाल दीजिएगा। तो गाइस मैंने अपना IFSC कोड डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे में स्विफ्ट कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको स्विफ्ट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने बैंक का स्विफ्ट कोड डाल देना होगा। गाइस स्विफ्ट कोड आपको आपके बैंक में मिलेगा, आपको अपने बैंक में जाना होगा और अपने बैंक मैनेजर से पूछना होगा कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो आपको आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। और अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप उस बैंक के मेन ब्रांच में जा सकते हो, वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको वहाँ पे भी स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन फाइंड कर सकते हो, आपको गूगल में स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपना स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने अपना स्विफ्ट कोड डाल दिया है। स्विफ्ट कोड डालने के बाद आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे में फिर से रीटाइप अकाउंट नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको फिर से अपना अकाउंट नंबर डाल देना होगा। तो गाइस मैंने अपना अकाउंट नंबर भी डाल दिया है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको राइट साइड जाना होगा। राइट साइड जाने के बाद आपको नीचे में एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस मेरा यूट्यूब चैनल मेरे बैंक अकाउंट से जुड़ चुका है। इस तरह से आप भी अपने यूट्यूब चैनल को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।